नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोन पे से ट्रेन का टिकट कैसे बुक किया जाता है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अगर आप फोन पे यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि अपना फोन पे से ट्रेन का टिकट बुक करना, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप अपना फोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट बुक करेंगे। वो भी कन्फर्म टिकट आपको यहां पे बुक करना सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे अपना ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको अपना फोन पे एप्लीकेशन यहां पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे अपना ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सिंपली क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्रेवल बुकिंग्स, उसी के अंदर यहां पे आप देखेंगे ट्रेन का एक ऑप्शन देखने को। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस ट्रेन में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंटर फ्रॉम, यानी आप जो सफर करना चाहते हैं, यानी ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, यानी कहां से कहां तक। सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा इंटर फ्रॉम, तो आप किस स्टेशन से जाना चाहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर फ्रॉम में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको उस स्टेशन को यहां पे आपको फिल अप करना जिस स्टेशन से अपना ट्रेवलिंग करना चाहते हैं। जैसे मैं कटिहार से जाना, जैसे मैं कटिहार एक स्टेशन का नाम है फिल करता हूं, जैसे कटिहार है लिखूंगा। लिखने के बाद यहां पे आपका स्टेशन का नाम आ जाएगा, जो भी स्टेशन जाना चाहते हैं यहां पे देखेंगे, जो कि मेरा कटिहार जंक्शन से है। मैं कटिहार जंक्शन में क्लिक कर लेता हूं। यहां पे सिंपली क्लिक करने के बाद उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा इंटर टू, यानी कहां तक। जैसे कटिहार से कोलकाता, कटिहार से मुंबई, तो कहां तक जाना चाहते हैं, सिंपली यहां पे देखने को मिलेगा इंटर टू। बस क्या करना, सिंपली आपको इंटर टू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको उस स्टेशन को टाइप करना जिस स्टेशन में आप जाना चाहते हैं, जहां पे जो जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह का यहां पे नाम फिल अप करना। जैसे मैं कोलकाता जाना चाहता हूं, सिंपली मैं यहां पे कोलकाता टाइप करता हूं। जैसे मैं कोलकाता लिखते लिखते यहाँ पे मेरा आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे कोलकाता हावड़ा जंक्शन हावड़ा, तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस स्टेशन को यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पे अपना कहाँ से कहाँ तक जाने का, यहाँ पे स्टेशन दोनों जगह स्टेशन चूज करने के बाद उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा डिपरेचर डेट। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, यानी किस डेट को ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, किस डेट को अपना ट्रेन टिकट को बुक करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इस डेट में आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे अपना डेट को चूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिसंबर को जाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर को थोड़ा आगे कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा दिसंबर। तो यहाँ पे आपको इस डेट को जाना था, सिंपली यहाँ पे अपना डेट को फिलअप करना। जैसे मैं 15 दिसंबर को जाना चाहता हूँ, 15 में सिंपली इसमें क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेट है 15 दिसंबर फिलअप हो चुका। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना, नीचे आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सर्च ट्रेन। बस क्या करना, आपको सर्च ट्रेन में आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर में यहाँ पे ट्रेन नेम और ट्रेन नंबर। यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन नंबर देखने मिलेगा और यहाँ पे ट्रेन का नाम देखने मिलेगा कौन सा ट्रेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस है। और गाइस यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेकंड सेटिंग स्लीपर। तो यहाँ जो कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस है सिर्फ इसमें स्लीपर है, इसमें एसी वगैरह कुछ नहीं। यहाँ पे एसी डब्बा नहीं, स्लीपर डब्बा है और सेकंड सेटिंग। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक गाड़ी और भी, यहाँ पे जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पे इसका गाड़ी का नंबर देख सकते हैं 1360। तो यहाँ देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इधर यहाँ पे देखेंगे तो स्लीपर में भी सीट खाली है, उसके बाद थर्ड एसी में भी खाली है और यहाँ पे सेकंड एसी में यहाँ पे नहीं है खाली। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले चेक करना, जैसे मैं इस गाड़ी में जाना चाहता हूँ, सबसे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि इस गाड़ी का नंबर है 1364, जो कि हाटे बाजारी एक्सप्रेस है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे स्लीपर में भी सीट खाली है, थर्ड एसी में भी है, सेकंड एसी में भी है। तो यहाँ पे आपको चूज करना, अगर आप यहाँ पे स्लीपर में जाना चाहते हैं तो यहाँ सबसे पहले चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा अवेलेबल ग्रीन कलर का, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर का जो अवेलेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे लगभग 56 सीट खाली है। जिस डेट को मैं जाना चाहता हूं उस डेट में 56 सीट खाली है। और यहां पे आप देख चेक कर लेंगे कि आपका जो स्लीपर में है अवेलेबल सीट है क्या नहीं। यहां पे जब भी आपका यहां पे ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा अवेलेबल, तो समझ जाना है कि आपका टिकट यहां पे कंफर्म बुक होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पे चेक कर लेना कि आपका यहां पे जो यहां पे ब्लू सॉरी ग्रीन कलर का यहां पे देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो यहां पे आपका ग्रीन कलर का आता है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्लीपर में कितना सीट खाली है। उसके बाद यहां पे देखेंगे थर्ड एसी में लगभग 6 सीट खाली है, सेकंड एसी में लगभग 5 सीट खाली है। तो यहां पे जैसे मेरा स्लीपर में है लगभग 56 सीट खाली है, यानी 56 सीट यहाँ पे बचा हुआ स्लीपर में। तो मैं इस स्लीपर में सिंपली क्या करेंगे, अगर स्लीपर में जाना चाहते हैं स्लीपर में क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने फिर से इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके फिर से मैं नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें
रिफ्रेश की वजह से मेरा है कट गया, तो फिर से मैं इसमें दोबारा स्लीपर में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने फिर से क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो कि मैं दिसंबर में जाना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को मैं यहाँ पे टिकट को बुक करना चाहता हूँ, लगभग 56 सीट खाली है 15 दिसंबर को। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 17 दिसंबर को लगभग 6 सीट ही खाली है। तो गाइस यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो देखेंगे मैं यहाँ पे जो कि 15 दिसंबर को अवेलेबल है 56 सीट और इसका जो प्राइस है लगभग 265 यानी 265 रुपया इस टिकट का प्राइस है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे देखने लगा बुक, यहाँ पे क्या करना सिंपली आपको इस बुक में क्लिक करेंगे। जैसे बुक में क्लिक करेंगे, बुक में क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने लगा इंटर IRCTC यूजर आईडी, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना IRCTC अकाउंट का यूजर आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो गाइस अगर आपने अभी तक अपना IRCTC में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं, अपना IRCTC में यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि कैसे आप अपना IRCTC में अकाउंट बनाएंगे, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, अपना चैनल पर मैं डाला हुआ हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको IRCTC अकाउंट बनाने का वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप अपना IRCTC में अकाउंट बनाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं, मेरे पास ऑलरेडी IRCTC यहाँ पे यूजर आईडी मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं अपना IRCTC का यहाँ पे यूजर आईडी फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना IRCTC का यूजर आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली देखने मिलेगा प्रोसीड, बस क्या करना सिंपली आपको इस प्रोसीड में क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस क्या करना, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मेल फीमेल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज कर लेना किसका टिकट बना रहे हैं, यार मेल का बना रहे तो मेल पे क्लिक करेंगे, अगर फीमेल का बना रहे तो फीमेल में क्लिक करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे मेल का यहाँ पे टिकट बना रहा हूँ। उसके बाद यहां पे आपको देखने मिलेगा फुल नेम, यहां पे क्या करेंगे जिसका भी टिकट बना रहे हैं उनका यहां पे नाम फिलअप करना होगा। जैसे मेरा, मैं यहां पे अपना नाम फिलअप कर लेता हूं, तो यहां पे क्या करेंगे जिसका टिकट बना रहे हैं उनका नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा एज, यहां पे क्या करेंगे उनका एज फिलअप करेंगे, एज कितना है। यहां पे क्या करेंगे सिंपली अपना, यहां पे अपना क्या करेंगे, अपना यहां पे एज फिलअप करेंगे। एज फिलअप करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने मिलेगा बर्थ प्रेफरेंस, यहां पे क्या करेंगे इस बर्थ प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको चूज कर लेना, यानी आप जो सीट लेना चाहते हैं, लोअर बर्थ लेना चाहते हैं, मिडिल बर्थ या अपर, यहाँ पे साइड लवर। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि आप अगर बीच में सीट लेना चाहते हैं, स्लीपर लेना चाहते हैं, यहाँ पे या ऊपर लेना चाहते हैं, या तो आप बगल में लेना चाहते हैं, तो अपने अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे चूज कर लेंगे। जैसे मैं पे साइड लवर लेना चाहता हूँ, साइड लवर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने बाद उसके बाद यहाँ पे आपका जो कि इंडिया पे ऑटोमेटिक पहले से फिलअप रहता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली आपको नीचे में देखने मिलेगा सेव, बस क्या करेंगे सेव में क्लिक करेंगे। जैसे सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक पैसेंजर यहाँ पे आपका सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आप और भी पैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऐड एडल्ट 5+ ईयर, यहाँ पे आप क्या करेंगे इसमें क्लिक करके अपना और भी पैसेंजर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ही पैसेंजर को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे जो कि मैं एक पैसेंजर को यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, पैसेंजर का नाम आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली उस पैसेंजर का मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो जिसका टिकट बना रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, जो भी आपका होगा यहाँ पे अपना सिंपली अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंटर ईमेल आईडी, यहाँ पे क्या करेंगे उनका ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जिसका टिकट बना रहे हैं। यहाँ पे आप उसका भी ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं, या तो अपना भी ईमेल आईडी फिलअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कोई सा भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप एक फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने से ये फायदा होता है कि आपका जो टिकट होगा आपका ईमेल आईडी में भी आपका पीडीएफ वहाँ पे आपका आ जाएगा, वहाँ से अपना ईमेल आईडी से अपना पीडीएफ को, टिकट का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए अपना ईमेल आईडी देना नेसेसरी है, आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं क्या करेंगे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देख मिलेगा, यहाँ पे आपको देख मिलेगा नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन। आपको क्या करना सिंपली गाइस यहाँ पे आपको नीचे देख मिलेगा नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देख मिलेगा प्रोसीड, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आई रिमेंबर पासवर्ड, बस क्या करना सिंपली आपको यहाँ पे आई रिमेंबर माई पासवर्ड में आपको नीचे में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने बाद गाइस यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू, बस क्या करना सिंपली आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना। वेट करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने मिलेगा, कंफर्म टिकट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करना, आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा पे, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस पे में क्लिक करेंगे। जैसे पे में क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद इस तरह से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने बाद यहाँ पे आपको क्या करना अपना फोन पे का UPI पिन टाइप करेंगे। यहाँ पे अपना सिंपली अपना UPI पिन टाइप कर लेते हैं।
यहाँ पे अपना UPI पिन सही सही टाइप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे दिख मिलेगा राइट का ऑप्शन। बस क्या करना है, सिंपली आपको इस राइट में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, यहाँ पे देखेंगे कनेक्टिंग, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखेंगे पेड कन्फर्म सक्सेसफुल, यहाँ पे मेरा टिकट यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे हो चुका है, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुली प्लीज वेट। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पासवर्ड। इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपको सिंपली अपना IRCTC का यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। आपका जो भी IRCTC अकाउंट का पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देख लेगा कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में सही सही फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपना IRCTC का पासवर्ड फिलअप करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा को फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना IRCTC का पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना IRCTC का पासवर्ड और यहाँ पे अपना कैप्चा को सही सही फिलअप करने के बाद देन आपको यहाँ पे नीचे देख मिलेगा सबमिट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख मिलेगा थैंक यू फॉर बुकिंग विथ कन्फर्म टिकट। यानी आपको यहाँ पे आपका मैसेज में आपका PNR नंबर भी मिल जाएगा। PNR नंबर जो होता है वो आपका PNR नंबर आपका नंबर पे आ जाएगा, जो भी नंबर दिए होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा थैंक यू फॉर बुकिंग विथ कन्फर्म टिकट, यानी मेरा जो है टिकट कन्फर्म टिकट यहाँ पे मेरा बुक हो चुका। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आपका नेम, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे करेंट स्टेटस यहाँ पे कन्फर्म है। उसके बाद मेरा कोच जो है S6 है, सीट नंबर 7 है। यहाँ पे मेरा सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जो कि मेरा कन्फर्म टिकट हो चुका, और यहाँ पे कोच नंबर, और यहाँ पे आप सीट भी देख सकते हैं आपका कौन सा सीट मिला है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ अपना टिकट यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप क्या होगा, आप जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे आपका ईमेल आईडी में आपका टिकट का PDF को वहाँ पे भेज दिया जाता है। अगर आप PDF को PDF में डाउनलोड भी करना चाहते हो, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद मैं अपना मेल आईडी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरे पे एक मेल भी आ चुका है कन्फर्म टिकट का। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें आपको अपना मेल चेक कर लेना, मेल आईडी यानी आपका जीमेल आपका होगा जो, तो यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि मेरा यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे आया। देखेंगे गाइस यहाँ पे मेरा PNR नंबर में देखने मिल रहा है, कन्फर्म टिकट है, सारा कुछ देखने मिल जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आप स्क्रॉल आते रहेंगे सारा कुछ यहाँ पे आपको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको PDF भी आ जाएगा सारा। यहाँ पे देखेंगे ट्रेन टिकट यहाँ पे PDF आ चुका है मेरा। इस PDF को मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली दिखाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे मेरा जो टिकट है कन्फर्म टिकट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेरा PDF यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप इस तरह से आसानी से अपना टिकट को यहाँ पे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आप ईमेल आईडी दिए होंगे उस ईमेल आईडी में आपका PDF यहाँ पे टिकट आ जाता है। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे टिकट इस तरह से देखने मिलेगा। मैं इसको आपको यहाँ पे पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा है इसमें, तो आपको इस तरह से देखने मिल जाएगा आपका टिकट। इस तरह से अपना टिकट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना जरूरी नहीं होता, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं बट TT को वैसे जरूरी नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन टिकट उससे ज्यादा जो ऑफलाइन से ज्यादा आपका ऑनलाइन का महत्व है, इसलिए अपना मोबाइल से टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से फोन पे अकाउंट से ट्रेन का टिकट यानी कंफर्म टिकट को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।